बानवे पचानवे साल की उम्र है और आगे मासूम फूल है। बच्चा तो पराया भी हो तो प्यारा लग सकता। अपना अपना जिगर अन्नी इन्नी अराफिल मनामे अन्नी अज़बह का फंदर मारा तरा। बेटा तेरे ज़बा का हुक्म आ चुका है, क्या कहते हैं? तो आगे बेटा कहता तुसी ख्वाब देखिया, मेरा की कसूर कि मैंने ख्वाब देखा तुझे ज़बा करता हूं। तो आगे इस्माइल कहते अब्बा मेरा क्या कसूर है, ख्वाब तो आपने देखा है, मैं तो आपकी अकेली औलाद हूं, मुझे क्यों ज़बह करते? जवाब सुनो या अबाते फ़ाल, मैं कुर्बान जाऊं कुरान की इस ताबीर पर। इस्माइल अलैहिस्सलाम के जज्बात को दो लफ्ज़ या अबाते फ़ाल या अबाते इफ़ाल, क्या तस्लीम और रज़ा है। तर्जमा जो भी है फरमाया देर क्यों कर रहे हो। इससे जो निकलता है ना एक खूबसूरत मफहूम वो है अब्बा तो देर क्यों कर रहे हो। तो हैरान हो गए, तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं? कहा पता है, अब मुझे ज़बह करने का कह रहे हैं तो कोई घाटे का सौदा नहीं है, आपके बदले में जन्नत, दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी और आपके बदले में अल्लाह मिलेगा, इसमें क्या घाटा है। आए ख्याल पीछे चला गया मां की तरफ, कहने लगे हाँ मेरी मां नूं बड़ा दुख होगा। तो फिर अपना कुर्ता उतारा, काबा ये कुर्ता मेरी मां को दे देना, जब मैं कभी याद आया करूंगा तो ये कुर्ता देख लिया करेगी और मुझे अपने कुर्ते में यहीं दफन कर देना, मुझे उधर ना ले जाना, यहीं दबा देना, शायद मेरी मां मेरी ज़बहशुदा लाश देख ना सके। आठ नौ साल का बच्चा खलीलुल्लाह को क्या कह रहा है, मेरे हाथ पांव बांध दे बाबा, शायद मेरा पांव या हाथ तुझे लग के कोई बेअदबी ना हो जाए, मेरे हाथ पांव बांध, मुझे उल्टा लेटाना, सीधा ना लेटाना, कहीं आंखों में आंखें पड़े और तेरा दिल नरम हो जाए, तेरा हाथ ना कंप जावे, मेरे रब दे अमर इच देर ना हो जावे। इनको मानने वाली उम्मत कहे सूद के बगैर गुजारा नहीं, झूठ के बगैर गुजारा नहीं, मिलावट के बगैर गुजारा नहीं, रिश्वत के बगैर गुजारा, आग लगा दो अपनी तारीख को, जाओ जो मर्जी करो, जो मर्जी गंदगी खानी है खाओ, अल्लाह की जन्नत जहन्नम को भुला दो, जो करना है कर, लेकिन तुम्हारे भुलाने से हकायक नहीं मिट सकते, जन्नत भी है जहन्नम भी है और हलाल हराम पे फैसले भी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे, पांव बांधे, कोई बकरे दे हाथ पैर तो नहीं बनने जा रहे, पुत्र दे हाथ पैर बनने जा रहे, उल्टा लेटाया, एक हाथ में छुरी एक हाथ में सर के बाल, गोड़ा कंड पे रखे, घुटने को कमर पे रख, यूं बाल पकड़े और छुरी और ऐसे यूं आसमान को देखा, फरमाया या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया, या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल में तुझसे ज्यादा हो गई? नहीं नहीं कभी नहीं, या कोई मेरा इम्तिहान है? या अल्लाह मेरे दिल में तू ही तू है, लाखों इस्माइल तुझ पे कुर्बान। आसमान के फरिश्ते दो दफा रोए हैं जब से पैदा हुए हैं, एक ये जो वाक्या सुना रहा हूं, जब इब्राहिम की फरियाद सात आसमानों में गूंजी तो ना रोने वाले फरिश्तों के भी चीखें, और एक ताइफ की वादी में जब मेरे नबी को पत्थर पड़े और आप बेहोश होकर गिरे तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई,
छुरी जो चलाई मेरे रब का अम्र आ गया, नहीं काटोगी, नहीं काटोगी। ये नहीं कि यहां कोई लोहे का टुकड़ा आ गया या छुरी मोम बन गई या एटोटा लोहा बनया। छुरी तेज थी, गोश्त नरम था। अर्श वाले ने कहा नहीं, छुरी कैसे काटेगा, आग ना जलाए अब कैसे जलाएगी, मछली के पेट में जाके मौत मत आए अब कैसे मौत आएगी। दूसरी दफा, तीसरी दफा नहीं चली। उठे जाके पत्थर पे तेज, ये उलमा ने लिखा है कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। कुर्बानी के मसाइल में आता है, कुर्बानी के मसाइल में, कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो कि जानवर को तकलीफ ना हो। पुत्र दिशा में छुरी तेज हो रही, मैं चलती क्यों नहीं। जब चौथी दफा पकड़ी है तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी कर, मेरे खलील नु जला लाया है, इम्तिहान पास हो गया। पट्टी बांधी थी आंखों पर, छुरी जो चलाई चल गई, आंखों से पट्टी उतारी तो सामने छतरा और आगे इस्माइल और साथ जिब्राइल, दोनों मुस्कुरा रहे और छतरा सामने पड़ा। मेरे नबी सारी जिंदगी दो छतरे जबा फरमाते थे कुर्बानी में, एक उम्मत की तरफ से एक अपनी तरफ से। हज के मौके पे 63 ऊंटों की कुर्बानी दी। जिस उम्मत के पास ये तारीख हो उनके पास कहां से गुंजाइश लाऊं झूठ की, फसाद की, मुनाफकत की, जिनाकारी की, बदकारी की, जुए की। छुरी चली इस्माइल पर, अल्लाह ने निकाल लिया। फिर 2000 साल के बाद मेरे नबी के बाप की बारी लग गई। वो लंबा के साहब टाइम खत्म है। छुरी चलने लगी मेरे नबी के वालिद अब्दुल्ला पर, अल्लाह ने निकाल लिया। 100 ऊंट जबा करवाए और उनको निकाल लिया। लेकिन छुरी ने चलना जरूर था,